और अकबरपुर जंक्शन की बात की जाए तो यहाँ से प्रतिदिन हजारों यात्री सफ़र करते हैं, और इस स्टेशन पर बात की जाए तो यहाँ पर प्रतिदिन हजारों यात्री सफ़र करने के बाद भी यहाँ पर टेन सेट पूरा नहीं लगा है। पूरे प्लेटफार्म पर टेन सेट लगाने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं कि इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भी कार्य किया गया है। अकबरपुर जंक्शन पर टोटल 7 लाइन बिछाई गई है, जिसमें 4 लाइन इसमें है और 2 मेल लाइन 2 लूप लाइन है, तो बाकी 3 लाइन इधर है। तो यह लाइन जो देख रहे हैं इधर वाला, इधर मालगाड़ी के लिए खासतौर, जो एक लाइन इधर से NTPC टांडा चला जाता है। तो अभी कुछ ही पलों में एक और ट्रेन आ रही है, दून एक्सप्रेस, जो ऋषिकेश से सीधे हावड़ा के बीच में चलती है और हावड़ा से ऋषिकेश के बीच में प्रतिदिन चलती है। और सामने देखिए वह अकबरपुर का रेलवे ब्रिज है, जो सीधे लखनऊ के लिए जाता है, और एक चला जाएगा टांडा, एक चला जाएगा रोड कट कर आजमगढ़। तो अकबरपुर जंक्शन पर देखा जाए तो अभी टिन सेट का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरे स्टेशन पर टिन सेट नहीं है। यहाँ से लगभग हजारों यात्री प्रतिदिन सफ़र करते हैं। अब बाद एक दून एक्सप्रेस और आ रही है जो प्रतिदिन चलती है, जो हावड़ा से ऋषिकेश जाएगी। तो देख सकते हैं आप, एक नंबर पर अब वही भीड़ आ गई है जो हरिद्वार की तरफ अब ट्रेन जाने वाली है, और एक नंबर पर दून एक्सप्रेस आती हुई जो हावड़ा से ऋषिकेश के बीच में प्रतिदिन चलती है। अकबरपुर जंक्शन के एक नंबर पर दून एक्सप्रेस आती हुई, और अकबरपुर जंक्शन पर देख सकते हैं कि कितना पहले से बदल चुका है। तो अकबरपुर जंक्शन पर इस समय हम हैं, तो यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 90.606 मीटर के आसपास है। तो देख सकते हैं आप लोग अकबरपुर जंक्शन, यहाँ पर नए नए प्लेटफार्म और नए नए हाल सीलिंग और नए नए टेन सेट लगे और नया नया फुट ओवर ब्रिज भी बनकर तैयार है। तो और यहाँ से देखिए कितना प्यारा सा अकबरपुर जंक्शन दिख रहा है, पहले से कितना बदल चुका है अकबरपुर जंक्शन। और अकबरपुर जंक्शन पर देखिए यहाँ पर बहुत ही कार्य अभी बाकी हैं, जो कुछ हो भी रहे हैं। और यह अकबरपुर जंक्शन का न्यू बिल्डिंग जो प्रवेश द्वार है, तो अकबरपुर जंक्शन पहले से बहुत कुछ बदल चुका है। तो यह सवारी जो आप लोग देख रहे हैं दून एक्सप्रेस की है, जो हावड़ा से हरिद्वार देहरादून के बीच में है, जो ट्रेन चलती है अभी कुछ ही पलों में वह भी आ रही है। और इस जंक्शन पर एक नंबर का विस्तार लगभग 20 से 25 मीटर के आसपास किया गया प्लेटफार्म का, और आप देख सकते हैं सामने अकबरपुर जंक्शन। तो यह सामने जो टेन से डेट है यह भी बदला जाएगा आने वाले समय में, और कोच इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, इसको भी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नया ही लगाया जाएगा। और यहाँ पर नए पानी का टंकी भी बनकर पूरी तरह लग गया है। अकबरपुर जंक्शन से प्रतिदिन
इस रूट से 60 से 65-70 ट्रेन प्रतिदिन गुजरती हैं और इसी रूट से वंदे भारत भी निकलती है पटना से लखनऊ के बीच में, जो वंदे भारत चल रही है। और सामने देखिए दून एक्सप्रेस आती हुई 2 नंबर पर, जो देहरादून से हावड़ा के बीच में प्रतिदिन चलती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग जो LHB रैक में यह भी ट्रेन हो चुकी है। दो नए ट्रैक डाले गए हैं मालगाड़ी के लिए, तो ख़ासतौर इस लाइन पर मालगाड़ी आएंगी और 1 और 2 पर ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन आएंगी। तो यहाँ पर कार प्रगति पर भी है और नए नए यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफार्म का पटिया जो रखा जाता है उसे भी रखा गया है और यहाँ पर बहुत कुछ अभी कार्य बाकी भी है। और सामने देखिए यह हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश से जो ट्रेन प्रतिदिन चलती है वह प्लेटफार्म नंबर अकबरपुर के 2 पर आ चुकी है। और इधर देखिए कार प्रगति पर प्लेटफार्म का, तो यहाँ देख सकते हैं कि लाल झंडी झंडी से बांध दिया गया है, इसके आगे खतरा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। हर चीज़